Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दावला नंबर 19 19 में दाखले के सारे हवाले की गिनती मैंने आपको पहले करा दी थी. आदमी की गिनती, नया आशा पसंद के प्रमाण की गिनती, ये सारे हवाले की गिनती मैंने आपको पहले करा दी थी. ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमको सिर्फ दाखला करना है, खाते में एंट्री करना है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 19 तारीख का दाखला. टप्पू ने सोनो एक जेम बिना प्रमाण मानको नुकसान में स्थायी पीढ़ी भागीदार है. तारीख 31/3/2016 रोज तेमी पीढ़ी में पाक सभी नीचे मुजब है. मूड़ी खाता यहाँ पर एंट्री करके जाते और पहले हवाले पढ़ लेते. मूड़ी खाता 2 लाख, सोनू 3 लाख. नफा नुकसान का खाता है 41,000. नफा नफा दिया हुआ है, जमा का जो पूंजी देवा का जो काम करता है नफा, और जायदाद का जो काम करता है नुकसान. अब यहाँ पर नफा दिया हुआ है, नफा हमारे को कितना दिया हुआ है, नफा दिया हुआ है 48,000. लहरदार दाखिले में दिए हुए हैं 50,000. धलखा गनामत दी हुई है 16,000. पागड़ी 54,000. जमीन मकान 3 लाख. मशीन 1 लाख. स्टॉक 40,000. देवादार 80,000. रुपये 48,000. अब यहाँ पर हम लोग हवाले लिए हैं. पागड़ी को मिलाकर 54,000 करवा मारू, जिसमें से हमारे पार्टनर सी गोली जो पार्टनर कारोबार में आया है उसकी पागड़ी की कीमत हमको कितनी दी हुई है, उसकी पागड़ी की कीमत हमको 54,000 में से 15,000 उसके भाग की पागड़ी की कीमत है. देवादार पर घर का गनामत 10,000 राखी. जमीन मकान की कीमत में 10% वधारो करो. इंटरनेट चौपड़ की कीमत में बाजार कीमत तथा 25% वधु है. स्टॉक की कीमत मशीन की बाजार कीमत वाली एंट्री भी हमने आपको कर लिया. मशीन की बाजार कीमत कितनी है 80,000. वो मैंने हमने गिनती पहले ही कर दी. स्टॉक की कीमत 10% वटा भी. गोली नवी पीढ़ी ने चौकी मिलकर 50% जिनकी रकम होगी तरीके लग से गोली तेना भागी पागड़ी ने रकम रुकड़ मारा से टप्पू तेना भाग नफा ना 1/3 भाग जारे सोनो तेना नफा ना भाग भाती 1/6 भाग गोली ने आपसे. यहाँ पर हमने त्याग का प्रमाण ढूंढ लिया था. त्याग के प्रमाण के बाद हमको नए नफा नुकसान में जो पूरा नया पार्टनर है उसका जो नफा है उसका भाग आया था 5/18. उसके ऊपर से हमने पागड़ी की कीमत ढूंढी और पागड़ी को दोनों पार्टनर के बीच में तकसीम कर लिया था. पागड़ी की कीमत आई थी 15,000 और उसको दोनों पार्टनर के बीच में हमने तकसीम कर लिया था. उसके बाद हमने यहाँ पर जो कीमत निकाली थी मशीन की, वो मशीन की कीमत की एंट्री भी हो गई थी. अब जो एंट्री है वो हम यहाँ पर एक के बाद एक करते जाएंगे पूंजी खाते में. बाकी आगे लाए 2 लाख और 3 लाख. ठीक है, पार्टनर टप्पू सोनू और गोली, पार्टनर नंबर 2. नफा नुकसान का खाता 48,000 जो पुराने पार्टनर्स के बीच में तकसीम होगा. नफा नुकसान का खाता तो पुराने पार्टनर्स का प्रमाण क्या दिया हुआ है 1/2 16/48. तो यहाँ पे एक के तकसीम एक के भाग में आएगा 16,000 और दूसरे के भाग में आएगा 32,000. ठीक है, अब यहाँ पर लेनदार में कोई हवाला नहीं है तो लेनदार की एंट्री हम वैसे ही कर देंगे. लेनदार में कोई हवाला नहीं है, 50,000 के लेनदार दिए हुए, वो 50,000 के लेनदार हम यहाँ पर लिख देंगे लेनदार 50,000. ठीक है, अब क्या दिया हुआ है घरखात अनामत. तो हवाला देखो, हवाले में दिया हुआ है देवादार पर घरखात अनामत 10,000 राखवी. देवादार पर घरखात अनामत हमको दाखिले में 10,000 रखने का दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर घरखात अनामत टोटल कितनी दी हुई है, घरखात अनामत टोटल दी हुई है 16,000, जबकि हमको यहाँ पर घरखात अनामत कितनी रखनी है सिर्फ 10,000. कितनी ही घर का दनामत रखनी है तो बाकी के 6,000 रुपये हमारे बच जाएंगे तो वो हमारा वधारा कहा जाएगा. तो यहाँ पर घर का अनामत 6,000 का वधारा हम यहाँ पर लिखेंगे. आगे पागड़ी 54,000, ये पागड़ी पुराने पार्टनर्स के बीच में तकसीम कर दी है. जो पागड़ी पापा सफैया में दी हुई होती है वो पुराने पार्टनर्स को पुराने नफा नुकसान के हिसाब से तकसीम कर दी जाती है. तो यहाँ पर पागड़ी दी हुई है, पागड़ी खाते 54,000 70
की हिंदी निकाल सकते हो पुराने नफा नुकसान के प्रमाण से। जमीन मकान 3 लाख, जमीन मकान की कीमत में 10% का वधारा हुआ है। तो जमीन मकान दिए हुए हैं, जमीन मकान 3 लाख, जिसके ऊपर 10% का वधारा, वो वधारा 30,000 होगा। 10% का मतलब होता है 30,000। ये वधारा यहाँ पर 3 लाख के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो घर घर का नामक है, इसकी दूसरी एंट्री देवादारों में से माइनस होगी। यहाँ पर घर घर का नामक की हमने एक एंट्री की है, तो दूसरी एंट्री भी होगी वो देवादारों में से माइनस होगी। तो देवादार की जब एंट्री करेंगे तब वो एंट्री हम लोग वहाँ पर कर लेंगे। जब जमीन मकान का वधारा हुआ है 30,000, वो 30,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट, मशीन की कीमत कितनी दी हुई है? 1 लाख, लेकिन बाजार कीमत उसकी कम है, तो हमने बाजार कीमत निकाली थी ना, 80,000 उसकी बाजार कीमत है। तो घटाड़ा कितने का हुआ? 20,000 का घटाड़ा हुआ। 1 लाख से बाजार कीमत 80,000 हो गई। तो यहाँ पर यात्रा घटाड़ो कितना घटाड़ा हुआ? 20,000 का घटाड़ा हो गया। अब स्टॉक की कीमत 10% घटाड़े, स्टॉक 40,000 का दिया हुआ है, जो और 10% घटने वाला है, यानी 36,000 का स्टॉक हो जाएगा। ये स्टॉक का घटाड़ा भी यहाँ पर लिखा जाएगा, स्टॉक में घटाड़ो। कितना घटाड़ा हुआ? 4,000। यहाँ पर जो टोटल कीमत है वो लिखी जाएगी आपकी बाजार कीमत की, और यहाँ पर सिर्फ वधारा घटाड़ा लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में सेम रकम लिखते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। यहाँ पर जो हमारी बाजार कीमत, जो टोटल कीमत है जायदाद की या कर्जदार की, कोई भी टोटल कीमत है वो लिखी जाती है, और उसके बीच का जो वधारा घटाड़ा है वो इस दोबारा 25 वाले खाते में लिखा जाता है। आगे हम एंट्री करेंगे, देवादार 80,000, देवादारों में से गलखत अनामत माइनस 80,000 में से गलखत अनामत 10,000 माइनस आउटर में जाएगा 70,000। ये गलखत अनामत की एक और एंट्री हमने यहाँ पर पहले से कर दी है, दो एंट्री यहाँ पर भी हमारे की खत्म हो गई। नकद की बाकी दी हुई है, नकद की बाकी यहाँ पर 40,000 बाकी आगे लाए 40,000, 40,000 की यहाँ पर नकद की बाकी दी हुई है। अब हम एंट्री करेंगे हवाले की एंट्री मोस्टली हमने कर दी है, सिर्फ पागड़ी की एंट्री करना बाकी है। पागड़ी की रकम हमारा जो पार्टनर है वो नकद में लाने वाला है, कितनी पागड़ी लाने वाला है? 15,000। ये पागड़ी यहाँ पर लिखी जाएगी, एक पार्टनर को मिलने वाली है 6,000 और दूसरे पार्टनर को मिलने वाली है 9,000। हो गया यहाँ पर। अब ये पार्टनर्स की पागड़ी भी हो गई है, अब क्या करना है हमको? देवादार पर घाघा दरामद की एंट्री हो गई है, जमीन मकान की कीमत के वधारे की भी एंट्री हो गई है, मशीन की एंट्री हो गई है, स्टॉक की एंट्री हो गई है, अब सातवें हवाले की एंट्री भी हो गई है। अब छठा और आठवां हवाला हमारा बाकी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, गोली नवी पेढ़ी ने चौकी मिलकर दी 50% जितनी रकम पूरी तरीके लाभ से, सिर्फ पूंजी की एंट्री यहाँ पर करना बाकी है। पूंजी मूड़ी किस तरह ढूंढी जाएगी? तो वो मूड़ी के हिसाब से उसको आधी मूड़ी खुद लेकर आनी है। ये हवाला अब हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम। अब इतना कचरा हमारा खत्म हुआ है। अस्सलामुअलैकुम। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो पार्ट दिया हुआ है चौके मिलकर ना 50%, जो हमारा हवाला नंबर, हमारा हवाला दिया हुआ है छठा हवाला और आठवां हवाला, ये दो हमको जो हवाले दिए हुए हैं, तो हवाले के हिसाब से हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। जैसे गोली नवी पेढ़ी ने चौकी मिलकर नहीं 50% जितनी रकम उन्हीं तरीके लाओ से, तो चौकी मिलकर किसे बोलते हैं? चौकी मिलकर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कुल मिलकर माइनस कुल देवा,
अब कुल मिलकर माइनस कुल देवा बराबर होता है कुल मूल से चौकी मिलकर भी बोला जाता है। कुल चौकी मिलकर यानी कुल मिलकर माइनस कुल देवा और कुल मूड़ी बराबर कुल मिलकर माइनस कुल देवा। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो हमारे मिलकत है जो हमारी मिलकत है पूरी उसमें से जो यहाँ पर कर्जे है वो माइनस करेंगे तो हमारे को चौकी मिलकर मिलेगी, या तो फिर यहाँ पर जो पूंजी है ये पूंजी के बराबर हमारी चौकी मिलकत होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारी मिलकत टोटल मिलकत में से हमारे कर्ज माइनस करेंगे तो हमारे को चौकी मिलकत मिलेगी। चौकी मिलकत बराबर यहाँ पर जाता आप याद करना, चौकी मिलकत बराबर कुल मिलकत माइनस कुल देवा, कुल मूड़ी बराबर कुल मिलकत माइनस कुल देवा। कुल मूड़ी यहाँ पर ए बी और सी की जो मूड़ी होती है वो होती है कुल मूड़ी। अब यहाँ पर ए बी और सी की टोटल मूड़ी मिलाकर कितने टका होगी 100। टोटल मूड़ी कितने टका होगी 100। तो अब चौकी मिलकत की वो 50% पूंजी लाने वाला है तो यहाँ पर 50% ये लाएगा तो 100 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50। ये दोनों की मिलाकर कितनी पूंजी होगी 50। टोटल यहाँ पर चौकी मिलकत का मतलब होता है कुल मिलकत माइनस कुल देवा और कुल मूड़ी बराबर कुल मिलकत माइनस कुल देवा। चौकी मिलकत का मतलब यही है चौकी मिलकत बराबर कुल मूड़ी। अब हमको देखना है कुल मूड़ी कितनी है तो कुल पूंजी ए बी और सी की टोटल जो पूंजी होती है उसे टोटल पूंजी कुल पूंजी कहा जाता है। अब यहाँ पर ए बी सी की टोटल पूंजी फर्ज करो कि 100 है जिसमें से 50 तो सिर्फ सी को लानी है बाकी के 50 इन दोनों की मिलाकर होगी। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं 30 और 36 हजार जिसमें से 24 हजार माइनस बचा है कितना 12 हजार। एक के हिस्से में आएगा 4 हजार और दूसरे के हिस्से में आपका आएगा 8 हजार। टप्पू और सोनू दोनों का हिस्सा मुनाफा 8 हजार। अभी यहाँ पर पूर्ण मूल्यांकन खाते का नफा लेकर आए 4 हजार और 8 हजार 3 लाख 3,32,000 3,41,000 और 3 लाख 3,49,000 जिसमें से 36,000 माइनस तो बचेगा 3,13,000। कैलसी में गिनेंगे हम लोग यहाँ पर कितना बचने वाला है 3,13,000 और अब यहाँ पर बाकी आगे ले गए जिस तरह से खाते बंद करते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हमको खाते बंद कर देने 2,00,000 2,16,000 2,22,000 2,26,000 हो गया। नंबर यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा 2,26,000 माइनस करेंगे 18,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2,08,000 रुपये बचने वाले हैं। ये यहाँ पर जो 2,08,000 रुपये बचे हुए हैं अब देखिए यहाँ पर ए की मूड़ी बी की मूड़ी और सी की मूड़ी ये हिस्सा 50% और ये हिस्सा 50% ये है 2,08,000 ये है 3,13,000 दोनों की पूंजी कितनी हो गई 2×3=5 13×8=21 5,21,000 यहाँ पर इनकी टोटल पूंजी कितनी हुई 5,21,000। अब ये 5,21,000 यहाँ पर पूंजी रखी जाएगी ये 50% 5,21,000 बाकी 50% किसको लानी है तो ये कितनी लाएगा 5,21,000 50% ये रकम 50% ये रकम तो ये नया पार्टनर लेके आएगा पूंजी सीना मुड़ी खाते 5,21,000 ये पार्टनर कारोबार में लेके आएगा। ठीक है, इस तरह की हमें एंट्री हो गई। अब ये पूंजी को हमको सामने लेके जाना है
2,08,000, 3,13,000 और 5,21,000, 10,42,000 की पूंजी हो गई, टोटल करना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बाकी ले गया नहीं, 5,21,000 बाकी आगे ले गए, ये खाता भी बंद हो जाएगा। 40, 50, 60, 70 और 76, 5,76,000 नकद की बाकी है। यहाँ पर रोकड़ 5,76,000। अब दोनों बाजू का टोटल करना है, पूंजी देवा और जायदाद लेना, लेना बाजू का भी टोटल करना है और पूंजी देवा बाजू का भी टोटल करना है। ये दाखला यहाँ पर हमारा खत्म हुआ, दाखला इसी तरह सिर्फ चुप्पे मिलकर निकालना हमारा था, बाकी के सारे हवाले हमारे इजी थे, जो पहले से आ चुके हैं वही हमारे हवाले थे, इजी हवाले थे। अब दाखला नंबर 18वां दाखला हमारा अभी भी बाकी है, वो 18वां दाखला हम यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अब ये दो दाखले इस चैप्टर के और बाकी है, वो दाखले भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।